डॉक्टर साहब, आपके मैंने शुरू ज्वाइन करने से पहले एक लंबी तमहीद बांधी, क्योंकि बहुत दिल जला हुआ था। 3-4 दिन के वाक़ात देख के लगता ही है कि अपने मुल्क में हम खुद अपने हाथों आग लगा के तो मज़ा देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये चिंगारी शोला बनेगी और पूरे मुल्क को जला के राख कर देगी। किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी को तो किरदार अदा करना पड़ेगा। इंतज़ार में रह के तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मैंने आपका इंट्रो सुना। ये इंतहाई बदकिस्मत मैं समझता हूँ कि कुछ चंद दिन गुजरे हैं और हम सियासत को अब हरमैन शरीफैन तक ले गए हैं। आपने देखा कि उसमें वीडियोस और इंफॉर्मेशन जो है वो इस वक्त अवेलेबल है सोशल मीडिया में, और कैसे वो प्लान किया गया, कहाँ कहाँ से लोग गए, कैसे कैसे टॉल क्लेम किए गए। तो हमारी जो कौम है, आप और मुझ समेत, मैं समझता हूँ कि हुरमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कट मरने के लिए तैयार होते हैं। और काश के ये जो मामला हरमैन शरीफ तक लेके जाया गया, एक प्लानिंग के तहत, एक होता है नेचुरल कुछ हो, एक प्लानिंग के तहत और एक ऑर्गेनाइज करके ऑर्केस्ट्रेटेड सारा एक मंसूबा बनाया गया, वो बड़ा शर्मनाक है। और यानी इसहाक डार साहब, मस्जिद नबी के अंदर जो भी नारेबाजी लगी, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ पहुंची, जो कुछ भी, जिस तरीके से भी जो कुछ भी किया गया, वो हमारे वजीर थे, किसी को पसंद हो या ना हो, और उस अल्लाह के नबी के घर में, जहाँ पे इस्लाम में अल्लाह ताला का तो हुक्म है कि अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद सलाम भेजो, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। कुरान पाक में जब हुक्म हो गया तो मैं और आप, हम तो कोई हैसियत ही नहीं रखते, लेकिन तहकीक के बगैर इमरान खान के ऊपर FIR कटवाना ये दुरुस्त तरीका नहीं है। मैंने ये FIRें माजी में देखी हैं, आप लोगों ने 2018 में भुगती हैं, कई औरों ने भी भुगती होंगी, हमें परहेज गुरेज करना चाहिए। नहीं पसंद आया मुझे आपका ये तरीका। एक तो ये है कि इसमें एक क्लैरिटी ले आए कि हकूमत जो है इस वक्त, उसने कोई ये FIR नहीं कटवाई, हकूमत कटवा सकती थी। और ये लोग अगर कटवा रहे हैं तो आप उनके जज्बात को रोक नहीं सकते, अगर वो नहीं काटेंगे जहाँ भी वो गए होंगे। मैंने भी सोशल मीडिया में एक दो देखी है, कोई फैसलाबाद है, कोई और जगह है, तो मैं समझता हूँ कि आप वो लोगों की जो है इस वक्त गम गुस्सा, उसको आप शायद काबू ना कर सकें। तो आगे तो लॉ ने अपना ड्यू प्रोसेस लेना है, और हमने तो यहाँ तक किया कि 20-14 के धरने में PDP के हमला हुआ, एंटी टेररिस्ट यानी वो पर्चे काटे गए, हमने तो किसी को, लोग इमरान न्याजी साहब समेत प्रोक्लेम जो फेंडर थे, हमने तो किसी को बैन नहीं किया कि TV में ना आ सके 4 साल। हमने तो किसी को ये नहीं कहा कि हुकूमत अपनी रिट दिखाए, इमरान खान साहब को पकड़े जाके कोर्ट में पेश करे, तो हमने तो उनको खुला छोड़ा हुआ था।